प्रेग्नेंट है सीमा हैदर, सचिन के साथ पहुंची मेडिकल चेकअप करवाने। सीमा हैदर जल्द ही देगी गुड न्यूज। पाकिस्तानी प्रेमिका के पांचवी बार प्रेग्नेंट होने की चर्चा हुई तेज। सीमा अपने पांचवे बच्चे को जन्म देगी और खबर है कि 4 महीने की गर्भवती है सीमा हैदर। सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है सीमा। नेपाल में मुलाकात के दौरान हुई प्रेगनेंसी की प्लानिंग, फिर मां बनेगी सीमा हैदर। बार बार बिगड़ रही तबीयत कर रही है प्रेगनेंसी की तरफ इशारा। सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर से सीमा के 3 बेटियां और 1 बेटा है और अभी सचिन के बच्चे की मां बनेगी सीमा। सीमा पेट से है सचिन के घर गुड न्यूज आने वाली है। जल्द ही सचिन के आंगन में गूंजेगी किलकारियां। क्या नागरिकता पाने के लिए हुआ ये सब कुछ? ये बातें, ये चर्चाएं, ये मीडिया की सुर्खियां आपने बहुत देखी होगी। कल से सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर एक बार फिर से खबर वायरल कर दी गई और जब से ये खबर वायरल हुई उसके बाद से सीमा के घर लोगों का जमावड़ा जुट रहा है। सीमा और सचिन को बधाइयां देने का तांता लग गया। खबर है कि भारी भीड़ के कारण उनके चारों बच्चों और सचिन के पूरे परिवार को एक दूसरे सदस्य के घर पर रखा गया। सोशल मीडिया पर सीमा के प्रेग्नेंट होने की खबरें काफी तेज वायरल हो रही हैं। यहां तक कि खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि सचिन ने सीमा हैदर का टेस्ट करवाया और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने सीमा को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह भी दी है और अभी सीमा हैदर पर सचिन ने घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि ऑलरेडी पुलिस प्रशासन की सीमा के घर पर रोक लगी हुई है। जरा ठहरिए, इस वीडियो को बंद करके जाइएगा मत, मैं आपको इंडियन मीडिया की हकीकतें बताता हूँ। जहाँ एक तरफ सीमा और सचिन के घर पर खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, अभी उनके घर पर राशन तक भी नहीं है। घर के बाहर पुलिस का पहरा है, उनको काम पर जाने की परमिशन नहीं है। सचिन के पिता का कहना है कि हमारे घर में कुछ नहीं बचा, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसी बीच खबर है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने मीडिया से भी दूरियां बना ली। घर के बाहर एक पोस्टर लगवाया जिस पर लिखा है, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी मीणा फैमिली। जहां देखिए सीमा के घर पर अभी दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। चाहे सचिन का घर कह लीजिए, चाहे सीमा का, उनके 4 बच्चों का पेट भरने के लिए, लालन पालन पोषण करने के लिए, कमाई करने की तो जरूरत पड़ेगी ना उनको। अभी उनके घर पर खाने पीने का राशन का सामान भी खत्म हो गया और प्रशासन की तरफ से पुलिस के जाप्ते में उनको काम पर जाने की भी इजाजत नहीं है। किन मुश्किल घड़ियों और हालातों से सीमा हैदर और उनके परिवार सचिन और उसके बच्चे गुजर रहे हैं, इसकी फिक्र मीडिया को नहीं है। बल्कि ऊपर से ये सब कुछ अफवाहें छोड़ी जा रही कि सीमा तो प्रेग्नेंट हो गई, सचिन के घर तो खुशखबरी आने वाली है, लड्डू बांटने का समय आ चुका है, मिठाई बांटने की कीजिए तैयारी। जहां पिछले 1 महीने से दोस्तों आपको बताऊंगा सीमा और सचिन के घर पूछताछ की जा रही है ATS वगैरह की, तो उनके घर पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। कम से कम प्रशासन, पुलिस, सरकार को उनके घर पर राशन की मदद तो करनी चाहिए। चाहे सीमा जासूस है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। पहले ये मुद्दा है कि सीमा और उसके बच्चे कम से कम इंसान तो हैं, हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं वो अभी, और वो यहाँ रहकर भूखे मरे, इतनी नौबत तो भारत की नहीं आई है ना। पाकिस्तान जैसा कंगाल तो नहीं है ना भारत। अगर भले ही जांच में सीमा हैदर जासूस पाई जाती है तो फिर उसे कोर्ट के न्यायालय के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा, सजा मिलेगी। उससे पहले उनके बच्चों को किस बात की सजा, जो उन्हें 2 टाइम की रोटी खाना पूरा नहीं मिल पा रहा। इसके बजाय इंडियन मीडिया तो और उनके मजे लेने में गुलछर्रे उड़ाने में लगा है। अरे सीमा तो प्रेग्नेंट हो गई, सचिन के घर तो खुशखबरी आने वाली। आज आपको मीडिया में सभी न्यूज चैनल पर यह खबर देखने को मिल जाएगी, लाइव हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स वगैरह सब पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ना ही सीमा इधर प्रेग्नेंट है, ना ही सचिन और सीमा ने कोई डॉक्टर से जांच करवाई, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट आई। हाँ, अगर जांच होती है, ऑफिशियल रिपोर्ट आती है तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। बाकी फिलहाल ये सब कुछ गप है, अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।